अगर आपसे किसी युद्ध के बारे में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड का ही ख्याल आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जो सालों ना चलकर सिर्फ 38 मिनट चला था, और वो युद्ध था एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध। एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध 27 अगस्त 1918 को ब्रिटेन और ज़ांज़ीबार सल्तनत के बीच लड़ा गया एक सैन्य संघर्ष था। ये संघर्ष 38 से 45 मिनट के बीच चला। इसे इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। ज़ांज़ीबार युद्ध आधुनिक तंत्र के जन्म के साथ साथ अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण घटना था, जो दक्षिणी अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा संचालित एक शासित राज्य के विरुद्ध एक युद्ध हुआ था। ये जंग ज़ांज़ीबार द्वीप समूह पर हुई थी, जो आज तंजानिया का हिस्सा है। सन 1963 में ज़ांज़ीबार द्वीप समूह ब्रिटिश संघ के भाग में था, और ब्रिटेन के शासन के विरोध में जनता विद्रोह शुरू हो गया था। विद्रोह के विरोधी ताकतों में एक गुप्त संगठन जिसे उंगुजा के नाम से जाना जाता था। उंगुजा ने ज़ांज़ीबार के शासन के खिलाफ जंग शुरू कर दी। जंग के दौरान ब्रिटिश संघ के शासन के प्रतिरोध के लिए ब्रिटेन ने भारतीय तटरक्षक जहाजों के उपयोग के साथ स्थानीय अंग्रेजी सेना को भी भेज दिया था। ज़ांज़ीबार द्वीप समूह में जंग के दौरान दो संबंधित घटनाएं घटी। पहली घटना में ज़ांज़ीबार द्वीप समूह में आक्रमण करने वाले उंगुजा के विरुद्ध लड़ी गई थी, इसलिए ब्रिटिश सेना ने ज़ांज़ीबार द्वीप समूह में प्रवेश करते हुए उंगुजा के खिलाफ संघर्ष किया। इस संघर्ष में उंगुजा को भारी नुकसान हुआ और ब्रिटिश सेना ने जीत हासिल की। दूसरी घटना जो जंग के दौरान हुई थी, उसमें तंजानिया से भी सहायता मांगी गई थी। तंजानिया की सेना ने ज़ांज़ीबार को तत्कालीन सुल्तान सैयद ज़ैद बिन तैमूर के समर्थन में उंगुजा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने उंगुजा को हरा दिया और जंग समाप्त कर दिया। इस युद्ध के फलस्वरूप ज़ांज़ीबार द्वीप समूह में एक नया स्वतंत्र राज्य बना, जो दक्षिणी अफ्रीका के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना था। ज़ांज़ीबार द्वीप समूह में अब तक तंजानिया का एक हिस्सा है, जो इस युद्ध के बाद स्थापित हुआ था।